आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स क्यों नहीं ले रहे हो? कल हमारी सेल का आखिरी दिन है और उसके बाद सेल खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। हमारे कोर्सेज 50,000 तक महंगे हो सकते हैं, 50,000 तक कोर्सेज के दाम बढ़ सकते हैं, तो आप इन कोर्सेज को अवेल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही शानदार कोर्स है, हम आपको 1,000+ घंटे का कंटेंट दे रहे हैं और इतना शानदार कंटेंट है, पूरी लाइव क्लास चल रही है। तो इसीलिए कोई भी दिक्कत हो तो इन नंबर्स पर कॉल करिए और फटाक से इन कोर्सेज को अवेल करो। देखो, भारत के लिए बहुत 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 बड़ी जीत हो गई है, बहुत बड़ी जीत। इमरान खान गए, अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे। सर क्या बोल रहे हो, कल ही तो आपने एक लेक्चर लिया था कि भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इमरान खान से जाने से भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आर्मी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान की फौज की तरफ से जो स्टेटमेंट आए हैं, मजा आया, कसम से बता रहे हैं। अब हमको घबराना नहीं है, क्यों? वैसे भी हम नहीं घबराते, बैंड बजा दिया पाकिस्तान की, क्यों? क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक ये हिंट दिया है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये तीनों मिलके बात करें। भारत के मसले पे इन्होंने ये बोला है कि जो भी प्रॉब्लम है हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, भारत के लिए स्पेशली हम बातचीत से रिजॉल्व करेंगे। एलओसी में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, एक्चुअली दो दिन की इस्लामाबाद में सिक्योरिटी समिट है, तो वहां पे इन्होंने बोला कि जो भी दिक्कत है एलओसी पे वो हम बहुत बढ़िया तरीके से रिजॉल्व करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का इशू, उन्होंने ये बोला, जम्मू एंड कश्मीर का इशू भी हम रिजॉल्व करेंगे अगर भारत चाहे तो। बहुत बड़ी, क्योंकि भारत देखिए, जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा है, पूरा पीओके भी हमारा है। ये तक बोल दिया, ये तक बोला कि 1/3 गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा हिंसा है, बहुत दिक्कत है, अनस्टेबिलिटी है, तो हमको उस आग से दूर रहना है और हमको एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ना है और भारत बहुत जरूरी है, तो भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। फिर उसके बाद चाइना के लिए कि चाइना और भारत का भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो हम चाहते हैं कि भारत और चाइना भी साथ में उसको सुलझाए। कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये जो गठबंधन है ये होने वाला है, एक सॉफ्ट एटीट्यूड इन्होंने हिंट दे दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हम यही चाहते थे। जो प्रॉब्लम हुई हाइपरसोनिक मिसाइल, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, बोला कि अरे हो जाते हैं हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीस एंड सिक्योरिटी इस पे ही फोकस करने लगे। अगर पाकिस्तान की आर्मी ये बोल रही है तो समझ लीजिए बढ़िया है सब कुछ। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, बट फिर भी आर्मी का ये स्टेटमेंट आना एक अच्छा संकेत है भारत के लिए। देखिए भारत ने एलओसी पे बहुत सर्जिकल स्ट्राइक की, वो तो एक सर्जिकल स्ट्राइक लैंडलाइट में ना, ऐसे हजारों सर्जिकल स्ट्राइक होती रहती है, हमारी आर्मी करती रहती है, वो कमर तोड़ के रख दी है। तो आर्मी को भी अंदाजा है कि बहुत दिक्कत है, हमको एकदम अमन और चैन की तरफ जाना है। दूसरी चीज, अमेरिका और पाकिस्तान, देखिए अमेरिका और पाकिस्तान साथ में आ रहे हैं। पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी अमेरिका ने, इमरान खान की सरकार गई, उसका रीजन ये था कि इमरान खान उल्टी सीधी बातें करते थे, बकवास कर रहे थे यूक्रेन में, यूक्रेन रशिया पे, यूक्रेन का साथ नहीं रशिया का साथ दे रहे थे। अमेरिका, आप ये डायनेमिक समझिए, पाकिस्तान रशिया का साथ दे रहा था, भारत देखिए किसी के साथ नहीं था और उसका भारत को फायदा मिला, तो पाकिस्तान सीधा रशिया को सपोर्ट कर रहा था। ओके, इधर है अमेरिका, अब अगर तुम रशिया को सपोर्ट करोगे तो तुम अमेरिका के एंटी हो गए ना, और वर्ल्ड बैंक जिससे तुमने लोन लिया है, आईएमएफ, सऊदी अरेबिया, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं, तो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और पाकिस्तान ने भर भर के गरियाया है, अमेरिका ने डर के गरियाया पाकिस्तान को कि तुम जो रशिया की गोद में जाके बैठ गया, आओ बेटा तुमको देखते हैं, आओ मैदान में आओ, बैंड बज गई, लोन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, महंगाई चरम सीमा पे, लोग परेशान। तो आर्मी को पता है, आर्मी भाई ये बहुत बड़ा रीजन था इनकी सरकार जाने का, तीन चॉइसेस दी थी, ये तो इमरान खान ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है ना कि या तो आप स्टेप रिजाइन कर दो या आपके
खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा या हम फिर अपनी तरफ से कार्रवाई करें। ये तीन चॉइसेस थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। उसका रीजन ये बहुत बड़ा है, मिलिट्री ने इमरान खान को हटा दिया। इमरान खान बड़े बेइज्जत होकर बाहर गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा, अभी आज ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, उनका खेल खत्म। और अब आर्मी की तरफ से प्रो अमेरिकन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, प्रो अमेरिकन स्टेटमेंट्स कि नहीं नहीं अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। यहां तक ये तक बोल दिया कि हम रशिया को जो एग्रेशन करा है यूक्रेन के खिलाफ हम उसको कंडेम करते हैं, ये तक बोल दिया पाकिस्तान ने, चाइना के उलट जाके। तो ये जो नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, रिश्ते जो बदल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जीत होगी भारत की, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं। और हमने हमेशा यही देखा है कि अगर भारत एक कदम, पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाता है तो हम 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ये हमारी, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। आगे जो भी होगा हम देखेंगे, आज इमरान खान की सरकार जाने वाली है, मैं उस पर भी लेक्चर लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, हमारे सेल का जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।